तैयार हो जाइए आज के पहले मुकाबले के लिए, तमिल थलाइवास वर्सेस यू मुंबा। तमिलनाडु और महाराष्ट्र, उन दोनों राज्यों की टीम का मुकाबला है जो कहते हैं कि कबड्डी की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई है, लेकिन इन दोनों को अभी पर्राटा भरने की उम्मीद है, इंतजार है। नरेंद्र कंडोला पहली रेड कर रहे हैं तमिल तलाइवास की तरफ से, पहला सीजन है, पहली रेड में बोनस किया है, मुबारक। बढ़िया बोनस लेकर के गए और शुरू में डिफेंस ने कोई हमला उन पर नहीं किया, अच्छी रणनीति आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, आक्रामक होना, और ये नीचे झुके सागर और बहुत बढ़िया उन्होंने ब्लॉक किया, लेकिन संभवतः रेडर सेफ है गुमान सिंह। दोनों तरफ से लेफ्ट रेडर्स ने रेड शुरू की है, कितने पॉइंट? 2 points यू मुंबा, जस्ट नंबर 249 आउट। एडवांस आए थे साहिल गुलिया जरूर, ये देखिए, लेकिन ये लगभग डुबकी थी, पूरी तरह मुकम्मल हुई नहीं, लेकिन गिरफ्त से बचे और दो हाथ लेके आगे गए। क्या बात है, डबल थाई होल्ड और उठा के जुलूस निकाल दिया रेडर का। पहला टैकल पॉइंट इस मैच का जो तमिल तलाइवास के कैप्टन सागर राठी के नाम गया है। एचसी रिंकू पहली कामयाबी, खतरनाक एंकल होल्ड किया। मुंबा के लिए इसी पोजीशन में कुछ साल पहले मोहित छिल्लर यही काम करते थे और बड़ी बखूबी करते थे, जो रिंकू ने किया। ऋषभ, मुझे लगता है कि जो पुराने रेडर्स हमने प्रो कबड्डी में देखे हैं, नरेंद्र इस बीच यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की पूरे डिफेंस ने और हाथ मिड लाइन तक तो पहुंचा, लेकिन क्रॉस नहीं हो पाया, रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो पुराने रेडर्स हैं वो आपने देखा है कि जब मुकाबले की शुरुआत होती है आमतौर पर बोनस के लिए जाते हैं, नरेंद्र ने भी वही एटीट्यूड दिखाया है। अब ये डू ऑर डाई रेड है और चार के डिफेंस में अगर डिफेंस गलती ना करे तो तमिल तलाइवास मुश्किल। और सुरेंद्र ने डाइव लगाई, हरिंदर ने सपोर्ट दिया, विश्वनाथ बाहर जाएंगे। पहली कामयाबी सुरेंद्र सिंह की, गरजता डिफेंस है यू मुंबा का। सुरेंद्र ने शानदार प्रदर्शन किया, बहुत ही खूबसूरत डाइव सुरेंद्र का। और रिशा किवन एज अ कैप्टन भी हम लगातार सुरेंद्र को कान में सुन रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन। ये ब्लॉक देखिए, जबरदस्त रेड आउट, 1 point तमिल तलाइवास। तमिल तलाइवास का डिफेंस भी अब जाग रहा है, दोनों टीम्स डिफेंस में भी रेड में भी लगभग लगभग बराबर खेल रही हैं। तो अब तलाइवास के पास मौका है, ऑल आउट, डिफेंडर मिड लाइन क्रॉस कर गए अभिषेक, वरना ये ऑल आउट के करीब ले आते। अभिषेक मिड लाइन को क्रॉस कर गए, अगर कोई डिफेंडर रेडर को स्ट्रगल के दौरान, उन्हें पकड़ने के दौरान मिड लाइन क्रॉस कर जाए तो तोहफा रेडर को मिल जाता है। और रिशांक कह रहे हैं कि सुपर रेड होने वाली है, ऐसा लगता है कि सुपर रेड होनी चाहिए आज के मुकाबले की पहली। यू मुंबा, ये सुपर रेड, बेहतरीन सुपर रेड यहां पर यू मुंबा की। जय भगवान ने किया काम और अब यू मुंबा इस सुपर रेड के साथ मुकाबले में बराबरी पर आ गए हैं। बोनस प्लस 1 point तमिल तलाइवास। तमिल थलाइवास को बोनस प्लस 1 point, यानी कि नरेंद्र अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 9 points हो गए हैं उनके सुपर 10 की दहलीज पर पहला हाफ। तीनों रेडरों का नाम लिया उन्होंने, गुमान, जय भगवान, रुक जा, तू चला जा, तीनों को उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। चलिए, जिसका नाम पहले लिया वो पहले रेड करने आया है, गुमान सिंह। सुपर टैकल की सिचुएशन, टीम का डिफेंस, पिछली बार नरेंद्र ने गलती की, नरेंद्र गलती करने के बाद अब कब रिवाइव होंगे वो देखना होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है संजीदा कि सुरेंद्र पूरी पंजाबी में बात कर रहे हैं, उन्हें आशा है कि किरण मगर भी पंजाबी समझते हैं। पर कमाल का पहला हाफ रहा है, डिफेंस दोनों टीम्स की नरम गरम खेली है, रेडर चले हैं। तमिल तलाइवास के लिए नरेंद्र कंडोला ने एक और सुपर 10 पूरा किया है, जबकि गुमान सिंह टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी पहली बार अच्छा खेल रहे हैं। तो पहले हाफ की कहानी, सिर्फ 1 point की लीड है तमिल तलाइवास के पास। दूसरे हाफ की शुरुआत करते हुए गुमान सिंह, सिर्फ 3 का डिफेंस है, डिफेंस हमलावर नहीं है, हमले की उम्मीद मत कीजिए। हालांकि साहिल मौजूद है, गलती कर दी डिफेंस ने। संजेदा कह रहे थे हमले की उम्मीद मत कीजिए, क्यों हमला किया, और एक नहीं दोनों खिलाड़ी
अजिंक्य पवार बिल्कुल भी नहीं चले, पिछले मुकाबले में इन्होंने खाता भी नहीं खोला, 6 रेड्स की थी और आज भी कहानी तकरीबन उसी तरह से आगे बढ़ रही है। ढेर हुए अजिंक्य, ऑल आउट हुई तमिल सरायवास, पूरे का पूरे डिफेंस ने उन्हें काबू में कर लिया। ये जबरदस्त वापसी है यू मुंबा की, क्योंकि पहले हाफ में यू मुंबा एक समय तक खुद 2-3 खिलाड़ियों से खेल रही थी। आशीष ओ क्या बात है, हवाई फायर को निरस्त किया साहिल गुलिया, पहली कामयाबी आज। काफी अंदर चले गए थे, बहुत बढ़िया ग्रिप पे ली, बैक होल्ड किया और आशीष की निकलने की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया साहिल गुलिया ने। दो डाई रेड देख लेते हैं, उस इंजरी पे मैं वापस आऊंगा। नरेंद्र कंडोला गए थे और इतनी जल्दी डिफेंस क्यों आता है दो डाई रेड में? यू मुंबा लीड में है, नरेंद्र कंडोला को अंदर आने तो दीजिए, टाइम लगा दी। और जब अनुभवी खिलाड़ी फॉर्म तलाश रहे हैं, युवा खिलाड़ी चमक रहे हैं। जय भगवान, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के खिलाड़ी आज 4 पॉइंट लिए, एक सुपर रेड की और यहां एक और मल्टी पॉइंट रेड, दोनों कॉर्नर फिर से साफ कर दिए। जय भगवान, मल्टी पॉइंट स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं यू मुंबा के लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जैसे ही डिफेंडर ने पकड़ा लंबा पहला लीप लिया। इस समय रेड पर है हिमांशु नरवाल, चलिए शिकार किया उन्होंने कप्तान साहब का। सुरेंद्र बाहर जाएंगे, न सिर्फ टच लिया बल्कि बोनस भी लिया, 2 पॉइंट का इजाफा हुआ और एक खिलाड़ी का भी इजाफा हुआ। ये लीजिए, यहां पर सुपड़ा साफ हुआ, ऑल आउट हुए तमिल खिलाड़ी दूसरी बार। चलिए सुरेंद्र सिंह का थोड़ी आराम से सांस ले सकते हैं, उनकी उस गलती के बावजूद यू मुंबा ने ऑल आउट दिया है, तारीफ करनी पड़ेगी आशीष की। और मैं भाई मैं ऋषांक बोल नहीं रहे, बोले मैं मुंबा बॉय हूँ, मैं पुनेरी पलटन को सपोर्ट नहीं करूंगा। नंबर 50 आउट, यानी कि हरिंदर फिर बाहर जाएंगे। पवन नहीं है तो समझ में आता है कि रेडर पॉइंट ना ले, लेकिन पवन के ना होने से डिफेंस को क्या हो गया? चलिए डिफेंस को क्या हो गया, जैसे ही आपने बोला तो डिफेंस ने थोड़ी सी झलक दिखाई। जो हमें उम्मीद थी कि डिफेंसिव मैच होगा वैसा हुआ नहीं, ये शानदार थाई होल्ड है। जय भगवान, दिखा रहे हैं कि लगातार ऑलराउंड खेलना इनको आता है। और यहां पर तो टर्न कर गए पूरी तरह से। वन पॉइंट यू मुंबा, नंबर 10 आउट। हमारे ड्रीम 11 गेम चेंजर कॉन्टेस्ट के विजेता बढ़िया जगह पर आके बैठ गए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, बशर्ते के अंत तक ये कायम रहे। इस बार गिर गए, इस बार रिंकू ने कायम किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से टैकल किया रिंकू ने। और नरेंद्र आज पहली बार टैकल हुए हैं डिफेंस के अंदर। 35 सेकंड बाकी, यानी कि इसके बाद आप एक और रेड देख सकते हैं। तुमान सिंह गए हैं रेड पर, अगले 3 मुकाबलों पर नजर दौड़ा लीजिए। तमिल तलाइवास के पायरेट्स के साथ 17 को, बुल्स के साथ 19 को, योद्धास के साथ 23 अक्टूबर को खेलेंगे। तमिल थलाइवास का डिफेंस अब कोई गलती करना नहीं चाहता, उन्हें पता है 7 पॉइंट की ये जो डेफिसिट है इसे बढ़ने नहीं देना है, अन्यथा लीग का वो एक बेशकीमती पॉइंट उनके हाथ से चला जाएगा। जल्दबाजी नहीं भाई, नरेंद्र कंडोला चले हैं, एक ही खिलाड़ी चला है नरेंद्र कंडोला जिसने इस टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। सागर राठी डिफेंस में चले, बहुत लेट चले, यही कारण है कि तमिल तलाइवास शुरुआती लीड लेकर भी मुकाबला जीत नहीं पाए। यू मुंबा के 3 रेडर चले हैं, गुमान सिंह, आशीष और जय भगवान, और उसके बाद सुरेंद्र ने एज अ कैप्टन डिफेंस में पोजीशन बदल बदल कर बहुत इंप्रेस किया है और लगातार दूसरी जीत मिली है यू मुंबा को। पिछले मैच में यूपी योद्धा को अपने डिफेंस के बूते हराया, इस मैच में तमिल तलाइवास को रेडिंग के बूते हराया है।